हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ये है दोस्तों बजाज की डोमिना 2023 वेरिएंट, जिसका आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, बजाज डोमी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। जी, अगर आप 400 सेगमेंट में देखेंगे तो बजाज अपनी जो डोमिनार 400 है वो सबसे सस्ती बाइक है। तो ये चीज़ मानना पड़ेगा कि भाई बजाज वालों ने काफ़ी सस्ती हमें 400cc बाइक इंडियन मार्केट में दी हुई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में, सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू डोमिनार 400 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि डोमी 400 आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों डोमिनार 400 एक्स रूम प्राइस अराउंड आप लोगों को देखने को मिलेगी 2,26,000, 2,26,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्स रूम प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो बता दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,71,000, 2,71,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आप लोगों के स्टेट एंड सिटी में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं डोमिनार 400 के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इस बाइक में इंजन टाइप में 373.3cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOSC 4-वॉल्व ट्रिपल स्पार्क प्लग FI सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिए इसमें DOSC इंजन आता है, जिसे हम कहते हैं डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। बात करें पावर के बारे में, डोमिनार 400 में मैक्सिमम पावर में 40 PS की पावर आती है जो कि 8,800 RPM में पावर जनरेट करती है एंड 35 का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको डोमिनार 400 में देखने को मिल जाएगा जो कि 6,500 RPM में पावर जनरेट करती है। देख पा रहे दोस्तों डोमिनार 400 में आपको पावर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और 2,71,000 रुपये में आपको ये ऑन रोड प्राइस मिलती है। तो भाई ड्यूक 250 आई थिंक आपके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। बाइक की बोर साइज 89mm की है, स्ट्रोक साइज 60mm के आसपास की मिलेगी। साथ में बाइक में आपको नंबर ऑफ 1 सिलेंडर जो है इस बाइक में देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों इस बाइक में आपको 6 गियर देखने को मिलेंगे, 6 गियर के साथ में आपको बाइक में स्लीपर क्लच भी बाइक में देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक जो चीज़ आपको बाइक में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि काफ़ी पावरफुल बाइक है और परफॉर्मेंस भी आपको ये काफ़ी अच्छा निकाल कर देगी। बात कर लेते हैं बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज में आपको बताना चाहूँगा, ये बाइक आपको अराउंड कम से कम भाई 25 to 30 के आसपास का जो माइलेज है आपको निकाल कर दे देती है। 0 to 100 में इस बाइक को अराउंड 6 सेकेंड लगते हैं। टॉप स्पीड इस बाइक की 165 km/h के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। अब आते हैं इस बाइक के फ्रंट में। फ्रंट में आपको बाइक में जो सस्पेंशन मिलेंगे दोस्तों वो अपसाइड डाउन यानी कि USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, विच इज़ 43mm सस्पेंशन। तो सस्पेंशन आपको काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं। बात करें टायर साइज़ के बारे में तो फ्रंट में आपको बाइक में बता दूँ 110/70 का जो टायर साइज़ है वो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको स्पेशल फीचर में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है बाइक में देखने को मिलेगा। जी ABS है जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में मिलता है। बात करें प्लेट साइज़ के बारे में तो फ्रंट में आपको बाइक में 320 mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 4-piston कैलिपर्स के साथ में आती है। बात कर लेते हैं अब इस बाइक की लाइटिंग्स के बारे में। दोस्तों लाइटिंग्स में ना जो डोमिनार है वो काफ़ी बेहतरीन बाइक है और बहुत अच्छी लाइट यहाँ पर दी गई है। मेन लाइट में आप लोग देख पा रहे कि बाइक में आपको फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलता है। बाइक की जो लाइट का लुक है वो भी बहुत अच्छा और लाइट की जो इल्यूमिनेशन यानी कि जो विजिबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। फुली LED सेटअप में जो लाइट है यहाँ पे दिया गया है। टर्न सिंगल लैंप वही वाले के LED टर्न सिंगल लैंप मिलते हैं जो कि KTM की ड्यूक सीरीज में भी आते हैं। प्लस आ जाते हैं अब इसके रियर की तरफ, तो रियर में भी आप
आपको बाइक में LED टेल लाइट देखने को मिल जाता है। बात कर लें इस बाइक के रियर टायर साइज के बारे में, तो रियर में 150/60 का जो टायर है वो आपको रियर में देखने को मिल जाता है। प्लस रियर में आपको बाइक पे 230 mm की जो सिंगल 230 mm की जो डिस्क प्लेट है सिंगल डिस्क, वो आपको रियर में देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। इस पे दो नंबर ऑफ स्पीडोमीटर मिलते हैं, एक टैंक पे दिया है छोटा सा और एक दिया मेन। सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिलेगी। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया स्पीडोमीटर बाइक में आपको डिजिटल स्प्लिट कंसोल मिलता है, टेकोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, RPM यानी कि गियर डिस्प्ले है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, गियर शिफ्ट लाइट है, रेव लिमिटर इंडिकेटर है। साथ में आपको बाइक में चार्जिंग पॉइंट का भी जो ऑप्शन है वो दिया गया, मतलब फीचर्स के मामले में भी बाइक बहुत अच्छी है। बात करें इस फीचर्स के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड में पावर असिस्ट, लो बीम हैवी टर्न सिग्नल है, पर हॉर्न का स्विच मिलता है, राइट हैंड साइड में इंजन किल स्विच, सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2165 mm की है, ओवरऑल विड्थ अराउंड 863 mm की है, ओवरऑल हाइट अराउंड 1243 mm की है, ग्राउंड क्लीयरेंस 157 mm की है, सीट हाइट इसकी काफी कम है 800 mm की, आपकी हाइट अराउंड 5.2 है या 5.4 और सुपर आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। कर्वेट 193 kg के आसपास का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। चलिए तो दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज डोमिनार 400 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है। सो उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।